इंडिया से दुबई जाने वाली फ्लाइट पाकिस्तान में ही लैंड कर दी, दिल्ली से उड़ने वाली फ्लाइट वापस दिल्ली में ही लैंड कर दी और इंजन में आग लग गई। 10 डेज में ऐसे बहुत सारे फेलियर्स हुए स्पाइस जेट के साथ। थ्री थिंग्स टू नो अबाउट। एयरलाइन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है उनके पैसेंजर्स की सेफ्टी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीफ ऑफ फ्लाइट सिक्योरिटी की, जिसका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 20 से 30 साल का, और उसे एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट स्पाइस जेट में जो रिसेंट वाला था उसके पास 15 साल से भी कम एक्सपीरियंस था, प्लस एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कैनिबलाइजिंग। एयरलाइन एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सिस्टम बनाता है जिसमें एक एयरक्राफ्ट का अगर कोई पार्ट खराब होता है तो वो उठा के दूसरे एयरक्राफ्ट से चेंज कर लेता है, और वो पूरी एयरलाइन सिर्फ मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट पे ऑपरेट होती है। तो एक्सपर्ट्स मना करते हैं कि ऐसा एडवाइजेबल नहीं है, बट स्पाइसजेट इस पे ही ऑपरेट कर रहा था। इतने फेलियर्स और पैसेंजर्स की इंजरी देखने के बाद DGCA ने उन्हें एक नोटिस दिया है जिसका रिस्पॉन्ड स्पाइसजेट को एक महीने के अंदर करना है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, इन सब के बाद भी स्पाइसजेट सर्वाइव करेगा कि नहीं?